नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर ये आ रही है कि वहां पे राजस्थान के कोटा में रामगंज मंडी से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त वो बिहार नंबर की एक गाड़ी से जा रहे थे जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी इस बारे में विस्तार से राजस्थान की पुलिस और कोटा की पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि इस खबर की बिहार पुलिस अभी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जितनी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर राजस्थान के कोटा से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अब जाहिर सी बात है कि बिहार के कंटेक्स्ट में ये एक बड़ी खबर है। और अभी जो वहाँ कोटा पुलिस ने जो कहा है कि शांति भंग करने के आरोप में उनकी यह गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आज पूरे दिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक गहमागहमी और चर्चा थी कि क्या शहाबुद्दीन के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बात की जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के कोटा से रामगंज मंडी से उसामा की गिरफ्तारी हुई है जब वो दो लोगों के साथ थे। देखिए, ये एक बड़ी खबर है और जाहिर सी बात है कि इन पे सिवान में भी दो मामले दर्ज थे। पहला तो मारपीट से एक मामला था और 2022 में AK-47 से गोलियां चलाने का भी इन पे मामला दर्ज था। हालांकि जिस वक्त ये मामला दर्ज हुआ था उस वक्त ये का जो शहाबुद्दीन की जो पत्नी है और जो उसामा की जो माँ है उन्होंने कहा था कि हेना साहिब ने कि राजनीति से ये प्रेरित है, जो ये मुकदमा किया गया है वो राजनीति से प्रेरित है। पूरा ये मामला उन्होंने पॉलिटिकल बताया था क्योंकि उनका ये कहना था कि उसामा की जो लोकप्रियता उस क्षेत्र में बढ़ रही है, कहीं से लोग जो है जितने भी तमाम जो लोग हैं जो उनके विरोधी हैं उन्हें ये नहीं भा रहा है। तो ये दो मामले उन पर दर्ज थे। अब जाहिर सी बात है कि अभी उस वक्त अब जो ये गिरफ्तारी हुई है उसामा की, तो अब जाहिर सी बात है कि बिहार के लिए ये एक काफ़ी बड़ी खबर है। हालांकि बिहार पुलिस अभी सिवान की पुलिस भी इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं कर रही है, इसे कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान पुलिस ने और वहां की कोटा पुलिस ने इस उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है और वहां पे रामगंज मंडी से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दो और लोग हैं। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि कोई बहुत सीरियस चार्जेस अभी उनके ऊपर नहीं है। उनके ऊपर सीधा एक चार्जेस है कि शांति भंग करने का आरोप था और इसी बात को लेकर जो है वो राजस्थान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, कोटा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो अब जाहिर सी बातें देखना होगा कि अब यहाँ पर पूरी पुष्टि आती है, बिहार पुलिस इसकी कब तक पुष्टि करती है और सिवान पुलिस इसकी कब तक पुष्टि करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव सिटीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।